हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है त्रिकोणमितीय अनुपात से क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सिद्ध करना है, ठीक है। इधर वाला होता है राइट हैंड साइड और इक्वल टू ये साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो आपको या तो इधर से सिद्ध करके ये साइड लाना है या तो फिर ये साइड सिद्ध करके ये साइड लाना है, ठीक है। तो हमेशा देखिए सिद्ध कीजिएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड से कीजिएगा तो राइट हैंड साइड आपका आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। तो अक्सर देखिए जो सीध होता है वो लेफ्ट हैंड साइड से ही होता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है सो पहले उतार लीजिए, कोसेक है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इस पर क्या है स्क्वायर है, ठीक है। हम आपको क्या बताए थे सिद्ध करने के लिए, या तो साइन या तो कोस के पदों में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कोसेक है और कोट है, ठीक है। तो इसको हम कोसेक को साइन या कोस के पदों में लाना है, तो कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो यहाँ लिखिए 1 बाई साइन थीटा माइनस का माइनस, फिर ये भी कोट है तो इसको साइन और कोस के पदों में कीजिए या तो फिर कोस। तो यहाँ पे देखिए कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा बराबर जो होता है कोस बाई साइन थीटा होता है, ठीक है। तो दोनों में आ गया तो चलेगा, कोस थीटा बाई में साइन थीटा। हमेशा त्रिकोणमितीय अनुपात साइन या फिर कोस का पदों में होना चाहिए, बस देखिए यहाँ साइन है कोस है दोनों का ही पदों में है। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। फिर से एक बार देखिए, पहले हम क्या किए लेफ्ट हैंड साइड वाला उतारे, अब इस पर जो था स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, फिर कोसेक को हम 1 बाई साइन थीटा के फॉर्म में बदल दिए, फिर माइनस का माइनस और कोट थीटा बराबर जो होता है कोस बाई साइन थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन और साइन का क्या निकाल दिए, एलसीएम साइन थीटा। अब नीचे जब समान रहता है तो ऊपर वही का वही उतर जाता है, 1 माइनस कोस थीटा। अब ये क्या दोनों पे हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको आप दो बार उतार सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा को आप दो बार उतार सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा एक बार हुआ और एक बार और उतार सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। 1 माइनस कोस थीटा था, इस पर क्या है होल स्क्वायर है, तो आप इसको दो बार उतार सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब ये क्या हो जाएगा नीचे में, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब सेम टू सेम उतार दीजिए, 1 माइनस कोस थीटा और ब्रेकेट में 1 माइनस कोस थीटा, ये लो फॉर्मेट हम फिर से उतार दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला निकाल लिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लिखेंगे 1 माइनस, इसको फिर से देखिए यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जगह का दिक्कत हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, ये वाला फॉर्मेट हम यहाँ उतार दिए, फिर बट्टा है ये और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो उतारेंगे यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी प्रूफ नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे अगर इस पर भी स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत है, एक का स्क्वायर क्या हो जाता है फिर एक ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए माइनस बी यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो फार्मूला होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यहाँ पे बताए थे हम ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी उतार सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करना क्या, ऊपर में वही उतारिए 1 माइनस कोस थीटा और ब्रेकेट में 1 माइनस कोस थीटा और नीचे में क्या हो गया इसको ए यानी कि 1 माइनस कोस थीटा एक बार माइनस में उतारे तो एक बार प्लस में उतार लीजिए 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पे जो ऊपर और नीचे जो सेम मैच कर रहा है उसको काट दिए, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कट गया, बचा क्या 1 माइनस कोस थीटा और बाई में 1 माइनस कोस थीटा, प्लस में नीचे है कोस थीटा, जो आपका क्या हो गया प्रूफ, ये प्रूफ करना था 1 माइनस कोस थीटा और नीचे में 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है।